ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को क्रूर ग्रह कहा जाता है। सूर्य पुत्र शनि कर्म फल दाता है और वो लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से अच्छा या बुरा फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक की कुंडली में शनि की साढ़े साथी हो तो उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती है। इसलिए शास्त्रों में शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं इन उपाय के बारे में। नंबर एक, शनि देव की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना अचूक उपाय है। अगर आपकी कुंडली में साढ़े साथी चल रही है या फिर आप शनि के प्रकोप से पीड़ित है तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ शनि के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है। नंबर दो, शनि देव की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। नंबर तीन, शनि देव को तिल तेल और छाया पत्र दान करना अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि इन चीजों का दान करने से शनि ग्रह शांत होता है और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार इनका दान करने से शनि देव द्वारा दिए गए कष्ट दूर होते हैं। छाया पत्र दान करने की एक अन्य विधि है, मिट्टी के किसी भी बर्तन में सरसों का तेल ले और उसमें अपनी परछाई देखकर उसे दान कर दे। नंबर चार, शनि ग्रह की कृपा दृष्टि पाने के लिए शास्त्रों में धतूरे की जड़ को धारण करने की सलाह दी गई है। धतूरे की जड़ को गले या हाथ में बांध कर इसका धारण करें। इस जड़ को धारण करने से शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धतूरे की जड़ को शनिवार के दिन अथवा शनि के नक्षत्र में धारण करना शुभ माना जाता है। नंबर पाँच, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सात मुखी रुद्राक्ष शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। रुद्राक्ष धारण करने से शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शनि ग्रह से संबंधित दोष दूर होता है। इस रुद्राक्ष को सोमवार या शनिवार के दिन गंगा जल में धोकर धारण करने से शनि के कष्टों से राहत मिलती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पांच उपाय जिन्हें करने से आपको जल्दी शनि ग्रह से राहत मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।